इलायची बेटा। पिछले जन्म में तू भिंडी थी भिंडी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तेरे सामने भिंडी रखी है, तू सब खान आ रही है, तो मुझे लगा कि पिछले जन्म का शायद भिंडी के साथ कोई नाता निभा रही। पापा मेरा मन नहीं खाने का, क्योंकि जीजा जी की नानी के बारे में सोच सोच के मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त। बेटा जिसकी जितनी लिखी होती ना उतना ही बखत होता है। देखो पिछली बार तो यमराज के जंगल से निकल कर भाग निकली, लेकिन हर बार यमराज को ऐसा अंगूठा दिखा कर निकलना बहुत मुश्किल है। ये लो यमराज को अंगूठा दिखा के निकलने वाली सेल्फी। पंचू पंचू मेरा बेटा पंचू। माता जी आप फिर बच गई। नानी आप जिंदा है, थैंक गॉड। इलायची मेरी बेटी, आग गले लग जा, थोड़ा आराम मिलेगा, आ जा। क्या कर रही है तू सेल्फी? अंकल जी नानी के ऊपर ना मच्छर बैठा था मोटा वाला, मैंने मार दिया। मर गया? हाँ ठीक है। माता जी आप तो सोने की कलम से अपनी किस्मत लिखा के लाई हैं, है ना? ये बताइए कि इस बार कैसे बच गई आप? अब क्या बताऊं, मैं ऑटो से जा रही थी। अच्छा हाँ। ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया, ऑटो खाई की तरफ लुढ़क गया। हाय हाय। लुढ़कते लुढ़कते मैंने अपना मोबाइल निकाला और फोन लगाया, अखिलेश तेरी माँ जा रही है पक्के में, इतना कहना था और मेरा मोबाइल छूट गया और अचानक सामने एक टहनी आ गई। अच्छा टहनी आ गई, मेरा मतलब है कि फिर क्या हुआ? फिर आगे फिर क्या, आपको पता है इस बार भी मेरी साड़ी नहीं मेरी जान बचाई। वो टहनी के एक तरफ मैंने साड़ी बांध दी और दूसरी तरफ से उतरने लगी। चलो ये अच्छा किया। पर खाई गहरी थी ना, साड़ी कम पड़ गई। फिर मैंने पेटीकोट उतारा जी और वो बांध के फिर उससे उतरने लगी, पर खाई गहरी थी ना, पेटीकोट भी छोटा पड़ गया। फिर मैंने अपना ब्लाउज उतारा। बस माता जी आगे हमें पता है क्या हुआ। अच्छा देखिए ऐसा है, आप थोड़ी सी लंबी साड़ी पहना करिए, छोटी साड़ी आपको खाई में उतरने में थोड़ी दिक्कत देती है, और वैसे भी आपकी किस्मत थोड़ी सी चंचल चल रही है, और इस उम्र में खाई में कूदने से कब तक आदमी अपने आप को बचा पाएगा ये बताओ। क्यों नहीं बचेगा? इलायची जिसके पास इलायची का प्यार हो क्यों नहीं बचेगा? अरे क्या क्या, क्या 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 कर रही है तू सेल्फी है? अंकल जी नानी जी के ऊपर ना डेंगू वाला मच्छर बैठा हुआ था। हाँ। तो मैंने सोचा मैं मार दूं इससे पहले नानी जी फिर से टपक जाए। नानी आपको बहुत प्यार आ रहा है ना, तो अपने नाते पे छावर कीजिए, मैं जीजा जी को बुलाती हूँ। जीजाजी जीजाजी नानी आई है। पंचू पंचू नानी नानी पंचू नानी नानी पंचू भाई बहुत ही अच्छा हुआ नानी जिंदा है, यानी कि तो इस बार होली में ना हमें कोई कसर छोड़नी ही नहीं चाहिए, तो इस बार की होली हम यही मनाएंगे, है ना पापा? अरे मुन्ना का फोन है। अरे हाँ आवाज आ रही है। हेलो हेलो मुन्ना। हाँ मुरारी भैया। हाँ हाँ प्रणाम भैया, मुन्ना बोल रहे हैं। हाँ बोलो। इस बार आप लोग कुसुम के यहाँ जाने वाले थे ना होली बनाने के लिए, तो अभी नहीं जा रहे हैं? अरे हाँ वो सिल्लीगुड़ी जा रही है ना कुसुम। अच्छा 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 अच्छा, तो एक काम करो ना भैया, आप लखनऊ का नहीं आ जाते हो? जमाना हो गया आपको लखनऊ आए हुए, और नानी का जन्मदिन भी आ रहा है, साथ ही मनाएंगे, और होली भी इस बार साथ ही मनेगी भैया। चलो ये अच्छा रहेगा, ये आइडिया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चल ठीक है फिर मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है चल ओके। ठीक है भैया प्रणाम। क्या बोल रहे भैया? देखो ऐसा है। हाँ हाँ मुन्ना चाचा का फोन आया ना अभी, कह रहा है तुम कहना जा रहे हो तो लखनऊ आ जाओ मेरे पास होली मनाने। तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार लखनऊ चलते हैं और बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से होली मनाएंगे। हाँ क्या? हाँ नानी बच गई, नानी बच गई, नानी बच गई। मुझे तो लगता है ना ये ललित अंकल ही मानूस आदमी है, ये मानूस है।
सच्ची हिलो तो सही कह रही है, यही है सबसे बड़ा मनुष्य लल्लू गई का। अरे यार मैंने क्या किया है यार? क्या किया? जब तक तू नानी पता ना, हमेशा हमारे साथ गलत ही हुआ है। अरे यार तेरा चाचा बीच में घुस गया तो उसमें मेरी क्या गलती है यार इलायची? इस चाचे की तो ना मैं पोल ही खोल दूंगी, इस चाची के सामने बड़ा आया चाचा कहीं का। कौन सी पोल? आपको पोल जानने की बड़ी पड़ी है? अरे नहीं बताना तो मत बताओ, हम अपना बिस्किट खाते हैं। यार इलायची मुझे है ना तेरे साथ बड़े जोर से होली खेलने की इच्छा हो रही है। अबे ओ अंकल तेरा ने जोर ना अपने पतलून में दबा के रख समझा। अबे ओए तमीज से बात कर, पंगा मत लियो मुझसे, वो इलायची के कारण कुछ नहीं बोल रहा वरना। अगर तूने फिर से हाथ उठाया ना तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। इलायची समझा ले अपने नौकर को। एक बता रहा हूं मैं तेरे को। अरे चुप करो यार दोनों, यहाँ पे होली की तारीख निकली पड़ी है और लगे पड़े हैं दोनों। हिलो को सीधा सोचने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अब ना एक ही रास्ता बचा है, नानी को फिर से मार देते हैं। क्या इलायची जी आप पगला गई हैं क्या? इलायची न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू मुझे अरेस्ट करवाने वाली है। अंकल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखो इस बार हमारी भी दृष्टि कह रही है कि नानी मरे ना मरे लेकिन सेठ जी जो है ना इस गुग्गू को कुकुर मुत्ता जरूर बो देंगे। अरे इलायची जी हम आपको बता रहे हैं सेठ जी 100% नहीं मानेंगे। ये तो कोई और चारा नहीं बचा ना मेरे पास, नहीं जाना मुझे लखनऊ। बस अभी आखिरी बार नानी को स्वर्गवासी बनाना होगा, उसके बाद हम होली मना सकते हैं। इलायची जी वो आपके बाप हैं, अगर उन्होंने पकड़ लिया ना तो कुकुर मुत्ता बना देंगे। और आप फट्टू हैं। हाँ। बड़े बड़े काम करने के लिए ना इसे छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ते हैं जी, का मौन। इलायची के पापा मैं ना थोड़े से शक्कर पारे और गुजिया पैक कर लेती हूँ, होली के दिनों से खाने का मजा ही अलग होगा है ना। क्यों पैक करके ले जाने की क्या जरूरत है, वहाँ भी तो होंगे कुछ सामान, वहाँ भी तो बनेगा, वो खा लियो। सुन पैक मत कर, जब लौट के आएंगे ना तब खाएंगे ये। अरे तो त्योहार में ऐसे खाली हाथ झुलाते हुए चले जाओगे? अरे तो यहाँ जो गुलाल और पिचकारी भी तो लेके जा रहे हैं, बात कर रही है बेकार की। अच्छा वो पिछले साल का बचा हुआ? पिछले साल का बचा हुआ है वो, तो क्या हुआ गुलाल का रंग क्या लाल से नीला हो जाएगा? जब पिचकारी में से आप जो है पानी की जगह जो है वो गोली निकलेगी उनके मुंह पे, बात कर रही बेकार की। तुम चुपचाप से सामान मांगने पास बात कम कर जा। तुम ना इलायची के पापा एक नंबर के कंजूस रहोगे, कुछ भी हो जाए मैं चांदनी चौक का मशहूर सोहन हलवा तो ले जाके ही रहूंगी। पंचम जी जाइयो जरा बिट्टू हलवाई की दुकान से 1 किलो सोहन वाला ले आइयो। जी एक मिनट जा, कहीं ना जाएगा, चुपचाप देख कर काम। जी पंचम जी रुक जा, कहीं ना जाएगा जी। पंचम अबे रुक जा, अब ये ना जाएगा तू जाएगी, जा अंदर जा। लड़की के पापा मेरे तो भाग ही फूट गए। शांत हो जाओ बबू, क्या हो गया? अरे क्या हुआ मिसेस पंचम, किसी ने छेड़ दिया क्या? किसी की हिम्मत है ऐसी जो आपको छेड़ जाए? छेड़ किसी ने ना दिया सेठ जी, छेड़ता ना तो मैं उसकी गुद्दी तोड़ देती। वो तो क्या ना मैं इसलिए रो रही थी कि देखो बेचारी से बोला तक नहीं चाह रहा पापा। पापा वो नानी मर गई क्या? नानी आपको कैसे पता चला? अरे एक बार रुक जाना, अरे जब वो जिंदा थी इस बात की मुझे ज्यादा हैरानी थी। मेरा मतलब है कि उम्र हो गई थी ना, ये बताओ कि इस बार कैसे मर गई? वो ना नानी ट्रक में जा रही थी और चालीस से ट्रक खाई में गिर गया और उसके साथ नानी भी।
ओ बेचारी नानी। ये तो बड़ा बुरा हुआ इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। भैया कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो भोली नहीं बना सकती। नानी, नानी की मुझे इतनी याद आ रही है, कैसे उन्होंने मेरे सर पे यूं हाथ फेरा था, मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं नहीं, मैं होली नहीं मनाऊंगी। अब मना कर दीजिए चाचा को, हम लखनऊ नहीं जाएंगे। ओ नानी, नानी। कुदरत का करिश्मा देख, अभी एक घंटे पहले तेरे चाचा का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि सीढ़ी से गिर के उनकी टांग टूट गई है। तो वो भी होली ना मनाएंगे। अब मेरी समझ में ये ना रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन अब इसकी नानी चली गई तो मेरा भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इलायची के पापा, मुन्ना भैया की टांग टूट गई। ठीक होली से पहले मेरे तो भागे फूट गए। मतलब ये लखनऊ का प्लान कैंसिल हुआ पड़ा था। हाँ, वैसे भी देख घर में कितना सारा बवाल मचा हुआ है, और होली खेलने का किसी का भी मन ना हो रहा है, क्यों है ना। मेरा दिमाग काम कर ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बार बार लगातार ना, मतलब कोई ना कोई आके ना इसे टांग अड़ा देता है, कभी पापा कभी मौसी कभी चाचा तो कभी ये कभी वो। मतलब सेम टू सेम वैसा ही हो रहा हमारे साथ, जैसा मैं लोगों के साथ करती आई हूँ। क्या? अरे बैंड बज रही है हम लोग की यार, फुल स्पीड में। भगवान जी से एक चीज मांगी थी कि एक चुटकी गुलाल ना आपके कोमल गालों पर यूं लगा दूं, लेकिन नहीं, वो भी मंजूर नहीं है भगवान जी को। थैंक यू भगवान जी। इलायची जी सुनिए, कोई बात नहीं ना इलायची जी, अगर इस बार होली साथ में नहीं बना पाए कोई बात नहीं, हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हैं, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है इलायची जी। या हम होली नहीं बना पा रहे और मजनू को ऐसा आशिक ही सोच रही है। चुप रहो, बैठो, बैठो। इलायची जी आप ना समझते नहीं है, हमने कितनी बार कोशिश की है लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। इलायची जी शायद इस बार हम होली नहीं बना पाएंगे साथ में, समझिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं ये होने दूंगी? हाँ ऐसा लग रहा है। यार देख तेरी हेल्प चाहिए यार। नो 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 नो, कोई हेल्प नहीं, अगर इस बार हेल्प की तो अंकल मुझे जेल भिजवा देंगे। इलायची ये ड्रामा बंद कर, कैसे बात कर रहा है, नॉर्मल हो जा। और देख यार एक आखिरी बार ना तुझे मतलब नानी को जिंदा करना पड़ेगा यार, क्योंकि वो क्या है ना यार, देख कल होली है, पापा होली के दिन देखेंगे ना, तो फिर उसके बाद वो हमें, उसके बाद तू और मैं होली मना पाएंगे साथ में। तू मेरे साथ रहने के बहुत स्मार्ट हो गया रे लल्लू। एक्सक्यूज मी, इलायची जी अब आप हमें ये बताइए कि आप हमारी नानी जी को दोबारा जिंदा कैसे करेंगे, बताइए। नहीं वो मैं पापा को बोल दूंगी कि नानी ना एकदम बिल्ली जैसी है, नौ जिंदगी है उनकी भी। अच्छा क्या बात है। आप नहीं, नहीं जबरदस्त है आइडिया। इलायची ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हूं? देख ले लो, तू मेरा एक लौता दोस्त है और मैं मतलब बहुत विश्वास करती हूँ, मैं जानती हूँ कि तू मुझे इस तूफान में अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। बोल, नहीं जाएगा ना? पर इलायची ये तूफान में भी तो तू ही लाई है ना। लल्लू हेल्प करना लास्ट टाइम प्लीज। यार तू बड़ी खराब है इलायची यार, तू इतनी क्यूट वाली टोन में बोलती है ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, करूंगा ना। पता है तभी तो बोलती हूँ।
अंकल। यार अंकल मत बोला करे यार, रिटायर्ड्स। ओके नानी। अरे लोटे के बच्चे, अब तेरी झाड़ू से ऐसी सफाई करूंगा कि तू होली दिवाली मनाना भूल जाएगा। रुक जा। अरे 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 सेठ जी, क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो आप पिंकी जी को आज झाड़ू से? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी, मैंने सोचा कि वो लोटे है। अरे ना ना, कोई बात नहीं सेठ जी, उसमें क्या है। वो ना पिंकी जी दरअसल यहाँ पे गश्त लगा रही थी, देखने के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। देखो पिंकी जी को, पिंकी जी ने ना अपना गुस्सा आंच से उतार के रख दिया, ऐसा पिंकी जी बोल रहे हैं। ओह माफ कर देना पिंकी जी, उस लोटे ने जो है इतना सताया है कि दिमाग खराब हो रखा है मेरा। ना ना, दिमाग मत खराब करो सेठ जी, आप जाओ और सो जाओ, टेंशन मत लो एकदम। पिंकी जी है ना, आप ये सारा मामला जो ना पिंकी जी के पास है, वो भी उनकी स्पेशल निगरानी में। एंड व्हाई टू फियर व्हेन पिंकी जी इज हियर, गो गुड नाइट स्लीप। खिड़की बंद कर लीजिए अंदर से। गुड नाइट, गुड नाइट। भाभी जी सो रहे हैं, गुड नाइट। गुड नाइट। कौन है इलायची के पापा? अरे वो दरोगा जी थे, पिंकी दरोगा जी। बड़ी मुस्तैदी थे जो गश्त लगा रहे हैं। अब देखियो लोटे का कैसा अचार बनाएंगे। अरे ये नहीं, बड़ी पुरानी आदत है दरोगा जी, कुछ ना कुछ भूल गए होंगे अब। अरे क्या है पिंकी जी? मेरे तो भाई टूट गए। पहले आंखें तो साफ कर लो फिर देखना। क्या साफ कर लो? आंख देखोगे कैसे? मुझे सब दिखाई देता है बगैर आंख के भी, समझ रहा हूं मैं सब। भूत लग रहा हूं क्या? यार सुनीता जी, आपके पापा ने आजकल एक नया अध्याय शुरू कर रखा है, गुड टच बैड टच की क्लास दे रहे हैं मुझे। अब उन्हें कौन समझाए कि सबसे ज्यादा बैड टच तो वही करते हैं। तो फिर पिंटू जी, आपको तो बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा ना कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है ना? तो फिर ये बताओ, ये कौन सा वाला टच है, गुड है कि बैड है? गुड टच बैड टच का पता नहीं, लेकिन आप जो टच कर रहे हैं ना, मजा बहुत आ रहा है। अच्छा ना, मजे मत लो बिंदु जी, मजे लेने वाली ले लो, ले लो। वैसे पिंटू जी, बड़े दिनों से ना एक चीज पेंडिंग है, मतलब एकदम वेटिंग लिस्ट पे चली गई। अब तो क्या सोचा उसके बारे में? अरे ऐसी बात करो आप, इसमें सोचना क्या, आपको तो पता ही है मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, जैसे मौका मिलता मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन आ जाते ना आपके पापा कू कू करके, हैं सब मौसम और मौका सब बिगाड़ देते हैं। क्या बताएं यार। अरे बेटा सुनो, शैतान का नाम लिया शैतान। बेटा तू वहां क्या बैठी है, हैं जाके दूध उबाल ले। हां जी पापा आ रही हूं। अरे सुनीता ये यार ना, पिंटू जी मैं आया। यहां क्या करने आ रहा है? पिंटू जी कैसी हैं आप? काले नांग जैसी हूँ। फो फनी, फो फनी। अच्छा पिंटू जी,
ये गुड टच है या बैड टच? ये गुड टच है आपके लिए। वेरी गुड पिंटू जी। अच्छा पिंटू जी एक बात ना मैं आपको साफ साफ बता दूं, होली वाले दिन ना कुछ मन चले आपको रंग लगाने के बहाने छेड़ेंगे, आप उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। ये बैड टच था। वेरी गुड पिंटू जी, मुझे कुछ काम है मैं वो करके आता हूं। उतर गया आशिकी का भूत एक ही थप्पड़ में। साले तेरा दूध ना जला जला के उसका खोया बना देंगे, राख कर देंगे तेरा दूध।